प्यारे बच्चों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। लर्न बेस, अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंपाउंड वर्ड, लर्न दैट हाउ टू द कंपाउंड वर्ड आर फॉर्म, नो दैट व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड कंपाउंड वर्ड। वर्ड्स डेफिनेशन, व्हाट इज ए वर्ड? अ वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। हरूफ तहजी के बामानी मजमुए को लफ्ज कहते हैं। मीनिंगफुल बामानी कॉम्बिनेशन मजमुआ लेटर्स अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। बच्चों आपको भी पता है अल्फ़ाबेट्स ए बी सी ये वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि टी ए सी ये कोई वर्ड नहीं बनता। अब इसको अगर रीअरेंज करें अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से तो सी ए टी कैट ये एक वर्ड बन जाता है। ऐसे ही यहाँ इसका जिक्र किया जा रहा है कि वर्ड्स की को बताएं, वर्ड्स के बारे में बताएं। वर्ड्स हरूफ तहजी के मजमुए को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, टेबल, मून एट्सेट्रा। दूसरा आपका टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर कंपाउंड लफ्ज बनाते हैं। अ कंपाउंड वर्ड इज़ अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर अदर वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी बताया है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिल के लफ्ज बनाते हैं उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है सनफ्लावर, ये दो लफ्ज हैं, ये एक लफ्ज मिलकर बना हुआ है। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स सन एंड फ्लावर। मैंने आपको आगे भी बताया ना दो या दो से ज़्यादा लफ्ज मिलकर लफ्ज बनाते हैं। सन और फ्लावर ये दो लफ्ज हैं, इनका एक वर्ड यहाँ बना हुआ है। इसे हम उर्दू में भी कहते हैं सूरजमुखी का फूल। सूरज और मुखी ये दो सब फूल, सन और फ्लावर ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। बच्चों ये देखिए आप उसके सामने एक टेबल है, ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसे ध्यान से देखें और पढ़ें, ये दो दो लफ्ज़ मिलके एक लफ्ज़ की तशरीह कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। पेज नंबर 5 है। ये आपका दिया हुआ है चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर गिवन ऑप्शन टू मेक ए कंपाउंड वर्ड। यहाँ एक लफ्ज़ दिया गया है और नीचे ये चार चार ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से आपने सही सूटेबल कंपाउंड वर्ड बताना है। वार्म, वॉश, वे, प्रिंट। तो वाइट के साथ सबसे बेस्ट कौन सा है? वॉश। ये वॉश ही आना है, इसके साथ ये कंपाउंड वर्ड बन जाता है। वाइट के साथ बी वॉश को टिक करें। और जैसे होम है, मेड, वॉश, लाइन, वाइट, मेड को टिक करें। थर्ड ऑप्शन है वर्ड बाल, वे, वाइट, क्यूब, आप वाइट को करें। फोर है लाइफ, स्टेप, लॉन्ग, थ्रू, हैंड, लॉन्ग को करें, बी ऑप्शन को टिक करें। फाइव है एवरी, फास्ट, ईट, एयर, वेयर, एवरी वेयर होता है, डी को टिक करें। सिक्स है चाइल्ड, हैंड, प्रूफ, हुड, मार्क, सी, हुड को करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। लेटर के साथ बॉक्स, सन के साथ फ्लावर, व्हील के साथ चेयर, एवरी के साथ थिंक, कम के साथ बैग। प्यारे बच्चों आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी डेफिनेशन आपने कॉपी पे लिखनी है और याद करनी है एग्जांपल्स के साथ। बाकी जो मैंने बुक वक्त बताया ना आपको पेज नंबर 5 का, ये आपने बुक पे ही करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।